वेलकम टू हेवनली डेजर्ट्स एंड मोर। मैं ललिता मुनोद। आज हम वड़ा पाव की रेसिपी देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत कम समय में बनके रेडी हो जाते हैं। एकदम ऑथेंटिक मुंबई स्टाइल वड़ा पाव बनके रेडी होंगे। आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वड़ा पाव के लिए मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सारे सामग्री को अच्छे से मिक्स कर पानी डालकर बैटर बना लेंगे। एक गाढ़ा घोल बनाना है हमें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करना है और एक स्मूथ बैटर बनाना है। गाढ़ा घोल। वड़ा पाव के स्टफिंग के लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून गार्लिक, जिसे मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया है, 1 टीस्पून जिंजर बारीक चॉप की हुई और 1 टेबलस्पून हरी मिर्ची बारीक क्रश की हुई। तीनों मिला के मैंने 1 मिल ले लिया है, 4 से 5 करी पत्ता, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 नींबू का जूस, 1/2 टीस्पून धनिया साबुत धनिया और 1/2 किलो मैंने आलू लिए हैं और हरा धनिया और नमक। चलिए अब हम इसे बना लेते हैं। पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें राई डालेंगे। टीस्पून हींग डालेंगे। हींग ऑप्शनल है, आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। साबुत धनिया, जिसे हल्के हाथ से हमें क्रश करके डालना है। करी पत्ता और जिंजर, ग्रीन चिल्ली और गार्लिक का दरदरा पेस्ट डालेंगे। हमें गार्लिक की क्वांटिटी ज्यादा लेनी है, जिंजर थोड़ा सा लेना है और हरी मिर्ची आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। हल्दी डालेंगे। और आलू को इस तरह से मैश करके डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, 1 टीस्पून जितना मैंने नमक डाला है, नींबू का जूस, उन सबको अच्छे से हम हिला लेंगे। हमें आलू एकदम मैश नहीं करने, हल्के से अंदर चंक्स रहने चाहिए। हमारा मसाला बनके रेडी है। इंस्टेंट वड़ा पाव चटनी बनाने के लिए मैंने पैन में 1 टीस्पून ऑयल डाला है। अब हम इसमें 1 टीस्पून क्रश किया हुआ गार्लिक डालेंगे। हम इंस्टेंट बना रहे हैं, इसे हल्का सा सेकेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून फली, 1 टीस्पून कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। इन सारी सामग्री को 1 मिनट के लिए हम सेक लेंगे। इसे हल्का कलर चेंज होने तक हमें सेकना है। अब गैस बंद कर लेंगे और ये जो सेकी हुई सामग्री है इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे।
1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और 1 टेबलस्पून मैंने बारीक सेव है मेरे पास चुड़वे वाली वो डाल रही हूँ, आपके पास है तो डाल सकते हो या फिर गाट या सेव कुछ भी डाल सकते हो। ये चटनी सिर्फ 2 मिनट में बन के रेडी हो जाती है, बस अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे। हमारी इंस्टेंट चटनी बन के रेडी है, इस तरह से मैंने दरदरा पीस लिया है। चलिए अब हम वड़ा बना लेते हैं। हमारा मिश्रण ठंडा हो गया थोड़ा, अब हम इसमें हरा धनिया डाल के मिक्स कर देंगे। और इसके बॉल्स बना लेंगे। तेल को कड़े में डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक तेल गर्म हो रहा है बैटर को एक बार अच्छे से हिला लेंगे। अब हम इसमें इस तरह से मैंने बड़े नींबू के साइज का मैंने बॉल बनाया है आलू के मिश्रण का। अब हम इसमें डुबा कर घोल में अच्छे से कोट कर इसे डीप फ्राई करेंगे। इसी तरह हम सारे वड़ों को तल लेंगे। हमारे वड़े बन गए, अब हम निकाल लेते हैं। हमें इसे बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं लाना है, इसी तरह से हमें कलर लाना है। चलिए अब हम इसे असेंबल कर लेते हैं। आप डायरेक्ट भी पाव में वड़ा डालकर सर्व कर सकते हो, पर मुझे थोड़ा सा रोस्ट करके पसंद है तो मैं पाव को थोड़ा सा हल्का सा बटर डालकर रोस्ट कर फिर असेंबल करूंगी। इसको हमें डार्क जलाना नहीं है, ज्यादा डार्क करना नहीं है और कड़क भी नहीं करना है। हल्का सा थोड़ा सा बटर डालकर 1 टीस्पून जितना बटर डालकर हल्का सा हमें गरम करना है। अगर आपको नहीं पसंद है आप तो स्किप कर सकते हो, पर इस तरह से करने से और अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इस पर जो हमने लहसुन का जो पाउडर बनाया था वो डालते हैं। अब हम इस पे वड़ा रखकर पाव बनके रेडी है। आप इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही जल्दी भी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे मैंने हरी मिर्च के साथ में सर्व किया है। आप वड़ा पाव बनाते समय इसके अंदर जो हरी मिर्च डालते हैं वो तेज वाली हरी मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे तो वड़ा पाव का टेस्ट अच्छा आएगा। अगर फीकी वाली मिर्ची का आप इस्तेमाल करेंगे पीसने के अंदर तो वो इतना टेस्ट नहीं देगा। आप वड़ा पाव में एकदम स्पाइसी वाली जो मिर्ची आती है उसी का उपयोग करें।